नमस्कार मित्रों, रीएजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपके सिलेबस के लिए निर्धारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि सुधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। यद्यपि यह टॉपिक जो है इसी परीक्षा के साथ साथ जो है सिविल सेवा के प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए तथा कई बार जो निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इस आधार पर हम लोग आज के इस लेक्चर में कृषि सुधार पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कृषि सुधार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके क्या आयाम हैं, कब क्या चीज़ें प्रारंभ की गई और कहां कहां पर इसमें जो समस्याएं विद्यमान रही हैं। तो कृषि सुधार को जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि अगर इस रूप में जानने का प्रयास किया जाए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अभी भी आधी से ज़्यादा जनसंख्या कहीं ना कहीं कृषि में जो है संलग्न है और इसके माध्यम से अपनी आजीविका को जो है सुनिश्चित करने का कार्य करती है। तो इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, न केवल देश के जो है अर्थव्यवस्था के लिए, सरकार के नेतृत्व के लिए, बल्कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडिडेट के लिए भी जो है ये टॉपिक समान रूप से जो है उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है। तो कृषि सुधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कृषि का महत्व क्या होता है। जैसे भाई कृषि का महत्व क्या है, एक तो पहली बात हमारे देश में खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करता है, दूसरा यहाँ से रोजगार प्राप्त होता है, तीसरा राष्ट्रीय आय में योगदान होता है, चौथा निर्यात होता है, पांचवा जो यहाँ पे उद्योगों के द्वारा जो माल तैयार होते हैं, कच्चे बने बनाए माल तैयार होते हैं, उनके लिए जो है एक बेहतर बाजार उपलब्ध कराता है ताकि बने हुए वस्तुओं की खपत यहाँ पे सुनिश्चित हो सके। तो ये व्यापक स्तर पर इसके महत्व हैं, ये महत्व के अंतर्गत आता है। थोड़ी सी अगर समस्या देखें तो ये भी देख सकते हैं कि जोतों का जो है आकार छोटा है, भूमि की गुणवत्ता की समस्या है, कृषकों के पास आय या गरीबी का होना एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि इसके आधार पर वो कृषि का यंत्रीकरण नहीं कर पाते हैं, इसी तरीके से आधुनिक यंत्रों की उनके पास व्यवस्था नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है। तो ये सारी जो है चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक समस्या है कृषकों के लिए, जिसके संदर्भ में लगातार ये बातें होती हैं कि कृषि सुधार का कार्य होना चाहिए ताकि आधी से ज़्यादा जनसंख्या के रूप में लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र को बेहतर बनाया जा सके और ना केवल किसानों के लिए बल्कि राष्ट्र के विकास में इस क्षेत्र की महत्ता को रेखांकित करने के लिए। तो इन सभी बातों की पृष्ठभूमि में हम कृषि सुधार को देखने का प्रयास करते हैं। यद्यपि कोई भी परीक्षा हो तो इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि यदि समसामयिक और समकालीन समय में सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं यदि उसको सम्मिलित किया जाए, उत्तर में शामिल किया जाए, तो वो इस आधार पर टॉपिक बहुत ही प्रभावी और महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वर्तमान समय में प्रयास सरकार की तरफ से चल रहे हैं, एक तो वो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, समकालीन व्यवस्थाएं होती हैं और एक दूसरा जो है वो परंपरागत। तो इस आधार पर ये दो टॉपिक हैं, दो जो है विधियों के आधार पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। समकालीन व्यवस्थाओं में जो है योजनाएं हैं, योजनाएं आती हैं और दूसरी तरफ जो है साख नीति आती है और ये साख नीति बताने का प्रयास करेगा कि किस तरीके से वो कृषि के क्षेत्र के लिए जो महत्वपूर्ण है। परंपरागत क्षेत्र में जो है दो चीजें हैं, एक जो है भूमि सुधार से संबंधित है और दूसरा जो है वो तकनीकी सुधार, तकनीकी क्षेत्र में किस तरीके से जो है कार्य किया गया है जिससे कृषि की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया गया है। अब योजनाओं के संदर्भ में समकालीन व्यवस्थाओं में साख नीति जो जारी की गई, जैसे साख नीति जो बनाई गई है सरकार की तरफ से, ये साख नीति निर्धारित बैंकों के लिए किया गया है कि वो अपने बैंक जो है अपने समस्त जो ऋण है उसकी मात्रा का जो 40% जो है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे, प्राथमिकता वाले जो है क्षेत्रों को देंगे। यहाँ से सवाल भी कई बार पूछा गया है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देंगे। अब इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि है, दूसरे स्थान पर इसमें जो है शिक्षा है, तीसरे स्थान पे जो लघु उद्योग है और अगले है जो है स्थान पर आवास ऋण, आवास जो है वो ऋण है और ये ऋण जो है वो 10 लाख तक है, 10 लाख तक की जो है व्यवस्था। तो कृषि है, शिक्षा अलग, उद्योग है और आवास के ऋण, इन सभी क्षेत्रों को जो है
वो प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है, जिसके संदर्भ में जो है सरकार की साख नीति ये बताती है कि बैंकों को जो है अपने समस्त ऋण का 40% जो है वो ऋण इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना चाहिए, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ये चीजें शामिल होती हैं। अब इसे प्राथमिकता वाला क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई निजी जो है क्षेत्र या निजी उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें निवेश की काफ़ी भारी मात्रा लगती है और यहाँ पे आउटपुट काफ़ी लंबे समय के बाद दिखाई पड़ता है। या जैसे शिक्षा है, ये तो दीर्घकालिक निवेश है जो कि गुणवत्ता के रूप में जो है फ्यूचर में जो है प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में इन संवेदनशील आवश्यक और छोटे छुए क्षेत्रों को जो है जो छोटे क्षेत्र हैं इन्हीं को मिलाकर के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में गिना जाता है। यहाँ से कई बार सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट और हाईलाइट किया जा रहा है। तो ये बातें साख नीति के संदर्भ में रही हैं, और ये जो व्यवस्था है वो वाणिज्यिक बैंक के साथ साथ जो है वो निजी जो है बैंक दोनों को ही इसे जो है देखना होगा कि दोनों ही बैंकों के लिए ये व्यवस्था जो है वो 40% की निर्धारित की गई है कि इन दोनों को जो है अपने समस्त ऋण को जो है 40% में विभाजित करके 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देना होगा, और अपने कुल जो है ऋण का 18% जो है कुल ऋण का 18% वो जो है कृषि के लिए जो है देना होगा। कुल ऋण का 18% ऋण जो है वो कृषि के लिए केवल देना होगा। तो इस आधार पर कृषि के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है ये व्यवस्था है जिसे बैंकों को अपने ऋण के माध्यम से सुनिश्चित करना होता है। दूसरा यहाँ पे है योजनाएं हैं, जैसे सरकार की तरफ से समय समय पर योजनाएं बनाई जाती रही हैं। तो 2016 में अगर देखा जाए तो 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे देख लेना आवश्यक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका तात्पर्य इसलिए प्रारंभ किया गया है क्योंकि कृषि एक अनिश्चितताओं का क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बारिश है, ओला है, तूफान है, इस तरीके की समस्याएं आती हैं जिससे कृषकों की समस्त लागत चौपट हो जाती है और उनका आय और फ्यूचर जो है अनिश्चित हो जाता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को बचाने तथा कृषकों को एक निश्चित आय प्रदान करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था बनाई गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया जाएगा, फसलों का बीमा किया जाएगा, जिसमें वाणिज्यिक तीन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वाणिज्यिक फसलें हैं जो है इनके लिए जो है 5% जो है प्रीमियम है, और खरीफ की फसलें हैं इनके लिए जो है 2% की जो है प्रीमियम है, और रबी की फसलों के लिए जो है वो 1.5% की जो है प्रीमियम की व्यवस्था बनाई गई है। और इसके आधार पर कृषकों के फसल उत्पादन की व्यवस्था को निश्चितता, सततता और गारंटी देने के लिए जो है ये सरकार प्रतिबद्ध होती है। तो ये व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2016 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है फसलों के लिए। अभी एक और व्यवस्था जो है मिट्टी के संदर्भ में, क्योंकि मिट्टी की जब तक परख नहीं होगी कि किस मिट्टी में किस प्रकार की फसल का उगाया जाना जो है सुविधाजनक होगा, किस में फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, ऐसी स्थिति में हम जो फसल के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और ना ही पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है जारी किया गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इस आधार पर जारी किया जाता है कि उस मिट्टी की क्या विशेषता है, मिट्टी में क्या कमी है और मिट्टी में किस प्रकार की फसलें उत्पादित हो सकती हैं। तो यह एक योजना है जिसे लैब के माध्यम से संचालित किया जाता है और मिट्टी की जो है परख को सुनिश्चित किया जाता है, उसकी विशेषताओं को अंकित किया जाता है। और इसी में जो है एक और योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बनाई गई है क्योंकि भारत में जो फसलों के संदर्भ में व्यवस्था है कि अभी भी भारत में लगभग 54% क्षेत्रफल एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि वो जो है असिंचित क्षेत्रों में है। तो इस असिंचित भूमि की सिंचाई करने के लिए तथा मौसम की जो अनिश्चितताएं हैं कि जैसे बारिश कहीं पर कम होती, कहीं पर ज़्यादा होती है या कहीं बहुत देर से होती है, तो उस अनिश्चितता को कम करने के लिए पीएम सिंचाई योजना जो है प्रारंभ की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम है जो हाल फिलहाल में
फसलों के संदर्भ में चलाए गए हैं और इससे कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। अभी परंपरागत क्षेत्र में जो है हम देखें तो भूमि सुधार के परंपरागत क्षेत्र में कृषि सुधार को देखा जाए तो यहां पर जो है मध्यस्थों का उन्मूलन, मध्यस्थों का जो है उन्मूलन किया गया, जिसे कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना। तो सरकार ने स्वतंत्रता के पूर्व में जमींदारी व्यवस्था थी जिसमें मध्यस्थ के रूप में वो किसानों से उनकी लगान को वसूलते थे और इस लगान के वसूलने की प्रक्रिया काफी उत्पीड़नकारी होती थी, जिसमें किसानों का शोषण होता था, किसानों के विकास की कोई संभावना वहां पर नहीं होती थी। तो ऐसी स्थिति में जो है मध्यस्थों का जो है उन्मूलन कर दिया गया और खेती करने वाले व्यक्ति को उसका मालिक बना दिया गया और एक बहुत ही कम मात्रा में लगान इत्यादि की जो है व्यवस्था बनाई गई, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का जो परिणाम प्राप्त होता है वो स्वयं अपने विकास और कृषि के रूप में जो है समृद्धि में जो वो खर्च करें। तो ऐसी स्थिति में जो मध्यस्थों का जो है उन्मूलन कर दिया गया और इसके लिए जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 पारित किया गया, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951 पारित किया गया और इसके माध्यम से इसे जो है समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो है एक सीलिंग व्यवस्था थी, यानी कि जिसको कहा जाता है जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। अब इसमें यह बताया गया कि समाज में असमानता विद्यमान थी, कुछ लोगों के पास ढेर सारी भूमि थी, जैसे जमींदार ही थे या उनके आसपास के लोग थे या उनके नज़दीकी लोग थे, रिश्तेदार थे, उनके पास भूमि अधिक थी लेकिन वो खेती कार्य नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में सीलिंग की व्यवस्था लागू की गई और जिसमें बाकायदा एक व्यवस्था बनाई गई कि किस व्यक्ति के पास कितना जमीन होना चाहिए। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाई गई, जैसे अगर सिंचित भूमि प्लस दो फसल है तो यह अधिकतम सीमा जो है 18 एकड़ बना दिया गया। इसी तरीके से सिंचित भूमि प्लस जो है एक फसल, ये जो है 27 एकड़ बना दिया गया और इसी तरीके से असिंचित के लिए यह व्यवस्था बनाई गई या अन्य प्रकार की भूमियों के लिए कि इसे जो है 54 एकड़, यह जो है अधिकतम सीमा निर्धारित कर दिया गया। यह तीन प्रकार की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे बनाई गई। तो जोतों की अधिकतम सीमा के निर्धारण का उद्देश्य समाज में समानता को स्थापित करना, भूमि का मालिकाना हक देना और भूमि पर कृषि काम करने वाले लोगों के स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाने के साथ साथ कृषि के विकास को स्थापित करना, तो यह इसका जो है उद्देश्य था, जो कि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण के रूप में इन तीन बिंदुओं के माध्यम से जो है अभिव्यक्त होता है, जो कि 18, 27 और 54 एकड़ के रूप में बताता है। अगली जो व्यवस्था इसमें थी चकबंदी, या इसे कहते हैं भूमि का पुनर्गठन। चकबंदी का तात्पर्य चक और बंदी, मतलब यह है कि कृषकों की छोटे छोटे जोतों को एक स्थान पर एकत्रित करने की जो व्यवस्था थी वही चकबंदी कहलाती है। इसमें ग्राम सभा या दूसरे ग्राम सभा में बिखरे हुए खेतों की जो मालिकाना हक को एक स्थान पर लाने का प्रयास किया गया ताकि सिंचाई की व्यवस्था बना करके सभी खेतों की सिंचाई हो सके। कृषि में जो यंत्रीकरण की व्यवस्था की जाती है जिससे बड़े बड़े जोतों की आवश्यकता होती है उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सके, समय, शक्ति और संसाधन को जो है किफायती ढंग से उपयोग में लाया जा सके। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चकबंदी व्यवस्था लाई गई थी। चकबंदी व्यवस्था के प्रकार जो होते हैं, ऐच्छिक चकबंदी और जो है अनैच्छिक चकबंदी, खैर उस वो टॉपिक कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर ये देखना है कि चकबंदी क्या है और चकबंदी जो है कब लाएगी। तो इसके लिए जो है अलग अलग प्रदेशों में इसको क्रियान्वित करना था, तो इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी जो अधिनियम था, चकबंदी अधिनियम 1953 इसे पारित किया और यह जो है 54 ईस्वी में जो है ये लागू हो गई।
तो इस तरीके से चकबंदी अधिनियम 1953 को 1954 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया गया ताकि किसानों के बिखरे हुए जो है जमीन के टुकड़ों को एक स्थान पर लाया जा सके और उन्हें जो है विभिन्न प्रकार के खर्चों से बचाया जा सके, कृषि का विकास किया जा सके, किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। तो ये बातें कहीं ना कहीं इसमें आती हैं। एक किसी भूमि सुधार का कार्यक्रम जैसे चल रहा है तो इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि सहकारिता का जो एक आंदोलन चलाया गया था, ये तब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जनक सहकारिता के भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है, तो सहकारिता का जनक जो है करजन को माना जाता है, लेकिन इसे एक आंदोलन के रूप में लाने का जो श्रेय है वो जो है नेहरू को है, यानी कि इसे आंदोलन के रूप में लाने का जो श्रेय है वो किसको है, नेहरू को है। आंदोलन के रूप में नेहरू ने लिया, लेकिन जनक इसको करजन को कहा जाता है। सहकारिता एक किसी भी कार्य को करने की एक ऐसी विधा है जिसमें उस क्षेत्र में विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उसके विभिन्न प्रकार के पक्षों में जो है सहयोग स्थापित किया जाता है और साथ में काम करके उस क्षेत्र को विकास के एक ऊंचाइयों पर जो पहुंचाने का काम किया जाता है, जिससे न केवल वो क्षेत्र जो विकसित होता है बल्कि उससे संबंधित पक्षों को भी जो है लाभ मिलता है उस तुलना की उस अपेक्षा में जबकि वो अकेले काम करते तो उतना लाभ उनको प्राप्त ना होता। तो ऐसी स्थिति में अकेले अकेले काम करके बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता, लेकिन सभी पक्षों को इकाइयों को एक साथ मिला के काम किया जाए तो वह उद्योग या वह गतिविधि बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सहकारिता का आंदोलन भारत में प्रारंभ किया गया और आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो इस तरीके की गतिविधियां जो है दुग्ध विकास के क्षेत्र में प्रारंभ की गई हैं। विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र हैं जैसे प्राग है, अमूल है, ये सारे जो भी दूध उत्पादन इकाइयां हैं वो सहकारी क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा चीनी मिल्स भी सहकारी क्षेत्र में आज की डेट में काफी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो है गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं जहां पे जो सहकारिता अच्छी तरीके से काम कर रहा है और क्षेत्रों में भी अगर स्थापित किया जाए तो डेफिनेटली अच्छा काम करेगा। तो ये इसके बारे में एक व्यवस्था थी। इसके साथ साथ जो है बैंकिंग व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ऋण के रूप में जो है इनकी समस्या को जो है समाप्त करता है। तो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो है परंपरागत यहाँ पे लोन की व्यवस्था थी और एक जो है संस्थागत, परंपरागत और संस्थागत जो है ऋण की जो व्यवस्था। अब परंपरागत ऋण के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के काफी लंबे समय बाद और आज की तिथि में भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में या पिछड़े हुए क्षेत्रों में यह स्थिति विद्यमान है, क्योंकि बैंकिंग की विभिन्न प्रकार की जटिलताओं और कृषकों के जागरूकता के कमी के कारण से जो है अभी भी यह परंपरागत व्यवस्थाएं विद्यमान है। इसके अंतर्गत साहूकार, महाजन, जमींदार या इस प्रकार के जो लोग सेठिया किस्म के होते हैं वह अपने लिखे पढ़े प्रपत्र और कागजातों के आधार पर लोन देते हैं, उनसे जो है भारी ब्याज दरों पर वसूली की जाती है जिससे उनके शोषण की संभावनाएं होती हैं। और यहीं पर कहा जाता है एक बार अगर वो किसी भी तरीके से इस ऋण व्यवस्था में फंस जाते हैं तो वो ब्याज देते देते उस मूलधन को कभी चुका नहीं पाते हैं। तो ये सारी जो है बुराइयां परंपरागत जो है ऋण व्यवस्था साख व्यवस्था में थी, इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थागत साख की व्यवस्था की जाती है ताकि किसानों को विभिन्न प्रकार के शोषणकारी व्यवस्था और गतिविधियों से निकाला जा सके। तो इसके अंतर्गत जो है तीन प्रकार के ऋण की व्यवस्थाएं होती हैं, एक जो है अल्पकालीन होता है और एक जो है मध्यमकालीन होता है और एक दीर्घकालीन ऋण की जो व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये जो है 15 माह तक होता है और ये जो है 15 माह से लेकर के जो है 15 माह से लेकर के 5 वर्ष तक होता है और ये जो है 5 वर्ष से ऊपर के लिए होता है। तो इस तरीके से जो है 15 माह तक जो है अल्पकालीन जो है इसमें बहुत ही छोटी छोटी गतिविधियों को जो सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से मध्यकालीन जो है ऋण की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जो है मध्यम समय के लिए लिया जाता है, इसमें छोटे छोटे कृषि यंत्र वगैरह खरीदे जाते हैं। जबकि दीर्घकालीन ऋण और लोन की व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसमें भूमि सुधार, स्थायी निर्माण और जो है भूमि की खरीदारी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस आधार पर कृषकों को लोन की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाता है। तो ये संस्थागत लोन के जो है प्रकार हो जाते हैं कि इस तरीके से। इसमें आपका जो है नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है, नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयास है और ये 12 जुलाई
12 जुलाई 1982 ईस्वी को जो है ये स्थापित किया गया। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को ये नाबार्ड की स्थापना की गई शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन के जो आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। ये वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ कृषि को वित्त प्रदान या ऋण प्रदान करने वाली एजेंसियों को लोन देने का कार्य करता है। 1992 ईस्वी में सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG की प्रारंभ किया गया, जिसमें जो है किसानों के जो है कुछ सदस्यों से मिलकर के समूह बनाया जाता है और उसके आधार पर आपस में ही जो है सहयोग करके विकास करने का जो है प्रयास किया जाता है। तो नाबार्ड के द्वारा 1992 ईस्वी में जो है स्वयं सहायता समूह या SHG जो है प्रारंभ किया गया। 1995 ईस्वी में आकर के यहाँ पे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की गई। प्रारंभ में इसकी जो है 2000 करोड़ रुपए के आधार पर यह प्रारंभ किया गया कि धीरे धीरे इसकी धनराशि बनाई गई जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ग्रामीण और कृषि से संबंधित जो अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए ये इसका काम जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है कार्य को आगे बढ़ाना था। इसी क्रम में जो है हम एक तो ये व्यवस्था हो गई, दो ये व्यवस्था हो गई, तीन ये हो गई और इसी में जो है लीड बैंक की स्थापना हम चौथे रूप में देखें तो लीड बैंक की स्थापना की गई है 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और ये जो है नरीमन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रारंभ किया गया। इसके लीड बैंक के अंतर्गत एक बैंक को एक जिले के विकास का जो है मुख्य कारक घोषित कर दिया जाता था और वो बैंक उस क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को सुनिश्चित करने का काम करता था। और एक अगली व्यवस्था के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना की गई 1975 ईस्वी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और इन बैंकों की स्थापना का बेसिकली जो उद्देश्य था वो यही था कि जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो इस आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और अगली व्यवस्था इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी गई, जिसमें जो है बैंकों के द्वारा किसानों को उनके प्रचलनात्मक जोत यानी कि जिस पर वो खेती वास्तव में कर रहे हैं उस जोत के आधार पर उन्हें ऋण दिया जाने लगा ताकि कृषि और उससे संबंधित कार्यों को वो निपटा सकें। और यदि 6 महीने में उनके द्वारा उस ऋण को वापस किया जाता है तो सरकार के द्वारा उस पर सब्सिडी भी जो है दी जाती थी। तो इस आधार पर जो है 1998 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रारंभ किया गया। तो यह कुल मिलाकर की इतनी व्यवस्थाएं थी जो ऋण की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया। एक इसी में अगर हम देख लें तो भूमि विकास बैंक भी प्रारंभ किया गया। और भूमि विकास बैंक बेसिकली जो दीर्घकालीन इसकी विशेषताएं हैं वो दीर्घकालीन लोन देने के लिए ये भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। और सबसे पहली बार 1920 ईस्वी में ये बैंक जो है पंजाब में स्थापित किया गया। भूमि विकास बैंक पंजाब में जो है स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं कृषि के बेहतरी के लिए जो है देश में प्रारंभ किया गया था ताकि जो है किसानों को उनके चंगुल से बचाया जा सके। इन व्यवस्थाओं में जो खामियां थी वो बेसिकली कृषकों की जागरूकता की कमी और बैंकिंग व्यवस्था की जटिलता रही है। क्योंकि अगर वास्तविक स्तर पर इसकी केस स्टडी किया जाए कि किसानों को क्यों लोन समय पे और सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो उसके पीछे यही लॉजिक होता है कि बैंकों की जटिलताएं और किसानों की जागरूकता का अभाव इसमें सबसे बड़ी आड़े हैं, जिसके कारण से आज की डेट में भी परंपरागत ऋण व्यवस्था कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा है। तकनीकी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो तकनीकी क्षेत्र में जो है कृषि का यंत्रीकरण किया गया है। कृषि का यंत्रीकरण का तात्पर्य है कि कृषि से संबंधित कार्यों को जो कि मानव के द्वारा
किया जाता था उसमें अधिक से अधिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके उस कार्य को संपन्न और निष्पादित करना ही कृषि का यंत्रीकरण कहलाता है। प्राचीन काल से लेकर के स्वतंत्रता के समय या उसके बाद तक 70 और 80 के दशक तक देखा जाए तो काफ़ी कुछ काम प्रारंभ में जो है वो परंपरागत ढंग से किए जाते थे। एक महत्वपूर्ण जो उसमें उदाहरण अगर लिया जाए तो हल से लकड़ी और उसमें लोहे के हल लगे होते थे जिससे बैलों के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी, लेकिन बाद में ट्रैक्टर का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ और इसके आधार पर कृषि की जुताई खेती की जुताई करना जो है प्रारंभ हुआ। इसी तरीके से कई चीज़ें हैं, जैसे रोपाई में भी जो है मशीनें आ गई, आज की डेट में थ्रेसिंग काम जिसको मड़ाई कहा जाता है उसमें भी मशीनें आ गई, पहले यह परंपरागत रूप में किया जाता था। तो ये सारी गतिविधियाँ कृषि के यंत्रीकरण के रूप में आती हैं और कहीं ना कहीं अगर इसकी समस्या देखा जाए तो किसानों का गरीब होना और जोतों का छोटा आकार होना, ये दो मेन समस्याएँ हैं। एक तो कृषि में जो है कृषकों का जो है आर्थिक रूप से किसानों का जो कमज़ोर होना और जोतों का छोटा आकार, ये दोनों समस्याएं जो है कृषि के यंत्रीकरण के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर के सामने आई है। क्योंकि यदि पैसा नहीं है तो कैसे खरीद सकते हैं, और दूसरा अगर जोतों का आकार मतलब बहुत छोटे छोटे खेत है तो उसमें कृषि से संबंधित आधुनिक यंत्र जो है चल नहीं पाते हैं। क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो पंजाब इत्यादि में विकसित ऐसे जो है कटाई और मड़ाई से संबंधित मशीन डेवलप की गई हैं जो कि उत्तर प्रदेश के पतले रास्तों से निकल ही नहीं पाती हैं, और यदि कहीं जाती हैं तो वहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए जो है एक समस्या है कि यहाँ पे सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उनकी आय जो है वो सबसे कम है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं जो है कृषि के यंत्रीकरण के लिए जो है जिम्मेदार है। इसी के लिए देखा जाए अगर बीज के क्षेत्र में जो देखा जाए तो बीज के लिए भी जो है यहाँ पे काफ़ी कुछ काम किए गए हैं। भारत ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में जो है किया गया है, और यह कृषि पशुपालन बागवानी इत्यादि से संबंधित जो है शोध के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का काम करता है। इसी तरीके से जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ साथ जो है आपके जो विश्वविद्यालय बनाए गए हैं यहाँ पर जो है उसकी शिक्षा भी दी जाती है और यहाँ शोध का काम किया जाता है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और यह अपने पंजीकृत किसानों के माध्यम से लगभग 600 प्रकार के फसलों से संबंधित बीज को उत्पादन करता है ताकि बीजों के क्षेत्र में नवाचार हो सके, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। इन सभी आधारों पर कृषि के क्षेत्र में सुधार कार्य किया जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कृषि सुधार के क्या समकालीन परंपरागत कृषि तकनीकी के क्षेत्र में सरकार के द्वारा पहल किए गए हैं और ये सभी पहल किस रूप में कृषि का विकास कर सकते हैं और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कृषि के संबंध में एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी। अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।